कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? कोक प्राप्त होता है। कोल तार किस चीज़ के लिए उपयोगी है? कोल तार किस चीज़ के लिए उपयोगी है? सड़क बनाने के लिए जिसे अलकतरा कहा जाता है। कोल तार की प्राप्ति किस प्रक्रिया से होती है, यानी अलकतरा की प्राप्ति किस प्रक्रिया से होती है? उष्मा क्षय से होती है। कोल अलकतरा की प्राप्ति या कोल तार उष्मा क्षय की प्रकृति से होती है। पेट्रोलियम के निर्माण के लिए किन तत्वों की उपस्थिति आवश्यक है? पेट्रोलियम के निर्माण के लिए किन तत्वों की उपस्थिति आवश्यक है? 221 नंबर। ताप और दाब, बहुत ज़्यादा ताप चाहिए और दबाव जमीन के अंदर होता है तो पेट्रोलियम बनता है। तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों होती है? तेल क्या होगा इसका? तेल और गैस का उच्च ताप, जल का उच्च तापमान, जल का उच्च घनत्व, क्या होगा इसका? तेल और गैस का कम घनत्व। मिट्टी और रेत समुद्र की तली के किस कारण बैठ जाती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। कच्चे तेल को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम के, क्योंकि ये बिहार पुलिस के एसके झा का सेट है, तो बहुत ही स्पेशल सेट है, महामैराथन है, एनसीईआरटी स्पेशल, तो आप इसे ज़रूर पूरा का पूरा वीडियो देखें। प्लेलिस्ट में और सारी वीडियो है, उसको ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा का पूरा मैं 1600 क्वेश्चन कराऊंगा। पेट्रोलियम परिशोधन की प्रक्रिया में कौन से संगठन होते हैं? पेट्रोलियम परिशोधन की प्रक्रिया में कौन से संघटक होते हैं? एलपीजी और पेट्रोलियम, डीजल और केरोसिन दोनों, तो इसका ए और बी दोनों, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गृह और उद्योग में ईंधन के लिए। एलपीजी भी जो आते हैं हमारे सिलेंडर में, वो लिक्विड के रूप में आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसीलिए कहते हैं उसको एलपीजी। पानी के जैसा, उसको टंकी हिलाएंगे तो पानी के जैसा आवाज करेगा, लेकिन गैस है। पेट्रोलियम परिशोधन का अभ्यास किस विधि से होता है? आसवन विधि से। पेरिफिन मोम का उपयोग किन प्रमुख उत्पादों में होता है? पेरिफिन मोम का उपयोग किन प्रमुख उत्पादों में होता है? मलहम में होता है। पेरिफिन मोम का उपयोग मलहम में होता है। CNG का फुल फॉर्म कीजिए, ये तो सबको पता होगा, क्या इसको भी बताने की ज़रूरत है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन का जलना, प्लास्टिक का जलना, कचरे का जलना, या पेड़ों का कटाना, बताइए। इसका आंसर तो आप लोग बता ही सकते हैं, जीवाश्म ईंधन का जलना। कोयला से संबंधित कौन सा सत्य है? या एक प्राथमिक ईंधन है, या एक जीवाश्म ईंधन है, या एक कोल तार है, या उपरोक्त सभी? तो इसमें उपरोक्त सभी होगा। कोयला प्राथमिक ईंधन भी है, जीवाश्म ईंधन भी है, ये कोल तार भी है, यानी अलकतरा भी है। अलकतरा कोयला से भी बनता है। प्राकृतिक गैस में निम्नलिखित में से कौन सी गैस शामिल नहीं है? प्राकृतिक गैस में CNG आता है, मीथेन से बनता है, ठीक है, LPG भी आता है, ये ठीक है, ये होता होगा 232 का कोयला गैस और प्राकृतिक गैस, लेकिन कोयला गैस ये नहीं होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 232 का सी। 233 में क्या पूछा है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। प्राकृतिक कहते हैं, प्राकृतिक या प्राथमिक या द्वितीय कहते हैं। 233 का इसको प्राथमिक कहते हैं।
सूर्य का प्रकाश वायु के एवं जल किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? सूर्य का प्रकाश वायु एवं जल किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? यह आप सबों को आता होगा, बताइए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कोयला पेट्रोलियम के संसाधन किस प्रकार के हैं? कोयला और पेट्रोलियम के संसाधन किस प्रकार के हैं? सीमित संसाधन, ये सब सीमित है, ये कुछ न कुछ दिन बाद खत्म हो ही जाएगा। और सौर ऊर्जा, वायु, ये सब और नवीकरणीय है। पेट्रोलियम का परिष्करण किस विधि से किया जाता है? आसवन विधि से। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से डाइस होता है, अधिक होता है या कम होता है? पेट्रोलियम का ज्वलन ताप केरोसिन तेल के ज्वलन ताप से अधिक होता है या कम होता है? समान ही होता है। लाल फास्फोरस को कमरे के किस ताप के आम रूप में रखा जाता है? लाल फास्फोरस को कमरे के ताप पर आम रूप में क्या हो जाता है? ठोस रहता है। अम्ल और रासायनिक बाइकार्बोनेट अभिक्रिया कौन सा गैस है? अम्ल और सोडियम कार्बोनेट अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। कोयला 240 कोयला किस प्रकार से बनता है? पौधों के विघटन से, जल के जमा होने से, खनिज प्रक्रिया से, वायुमंडल द्वारा? पौधों के विघटन से बनता है। हम विद्युत धारा को किन दो श्रेणियों में बांटते हैं? विद्युत धारा को किन दो श्रेणियों में बांटते हैं, बताइए? सुचालक और अपरचालक के रूप में बांटते हैं। कौन से पदार्थ में बिजली बहती है? कौन से पदार्थ में बिजली बहती है? नारियल का तेल में बिजली बह जाएगा, नींबू के रस में नहीं बहेगा, दूध में बिजली नहीं बहेगा, पानी पीने का पानी में बिजली नहीं बहेगा, शुद्ध पानी में नहीं बहेगा, नॉर्मल पानी में बह सकता है। बल्ब के जलने की तीव्रता अधिक किस में होगी? बल्ब के जलने की तीव्रता किस में होगी? सरसों तेल में, नींबू के रस में, या दूध में, या पीने के पानी में? नींबू के रस में तेज जलेगा बिजली। इन सबों में अगर करंट पास किया जाए तो सबसे ज़्यादा करंट पास नींबू के रस में पास होगा। विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक है? विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक है? पीने का पानी में। क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सब अलग अलग है, किसमें पानी ज़्यादा पार होगा, किसमें कम पार होगा, किसमें पार हो जाएगा। किस प्रकार का तेल बिजली का संचालन नहीं कर सकता? कौन सा तेल है जो उसमें बिजली पार नहीं कर सकता है, बताइए? रिफाइंड ऑयल में बिजली पार नहीं होगा वो। नींबू का रस का उपयोग क्यों कर रस उपयोग क्यों किया जाता है? ऐसे कारण तो बहुत है, लेकिन हम लोग ऑप्शन देख के बनाएंगे। बिजली संचालन के लिए नींबू का रस कौन करता है भाई? बिजली पार करने के लिए नींबू का रस कुछ भी दूध के, क्या आपने कभी नींबू का रस लिया है कि चलो भाई तार छोटा हो गया, चलो भी नींबू का रस लगा देते हैं? यार कौन है ऐसे लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूध के प्रति विद्युत धारा प्रभावित क्या होती है? दूध के प्रति विद्युत धारा की प्रतिक्रिया क्या होती है? दूध की सुचालिकता को कम होती है, दूध की सुचालिकता कम होती है। पीने के पानी के लिए विद्युत सुचालिकता का कारण क्या है? पीने के पानी के विद्युत सुचालिकता का कारण क्या है? इसमें आयन होते हैं, क्या होते हैं? इसमें आयन होते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अधातु विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अधातु
विद्युत धारा का प्रवाह में सहायक है। नल का पानी में निम्नलिखित में से किस प्रकार अधातु विद्युत धारा प्रवाह में सहायक है? नल के पानी में विद्युत धारा प्रवाह हो जाएगा, किसी दिन आपके घर में तार कट जाएगा ना, तो नल के पानी में लगा दीजिएगा, यहाँ से वहाँ बिजली पहुँच जाएगा। हे भगवान, नींबू के रस में विद्युत धारा प्रभावित होती है क्योंकि इसमें क्या मौजूद होता है बताइए? नींबू के रस में क्या मौजूद होता है? तो एसिड मौजूद होता है। अच्छा, एसिड मौजूद होता है तो एसिड से बिजली पास हो जाएगी। वाह क्या बात है, ये तो पहली बार जानने को मिला ये सारी बातें। इसीलिए तो कहते हैं ये NCERT है भाई साहब। विद्युत धारा चालक नहीं होता है क्योंकि दूध विद्युत चालक नहीं होता क्योंकि इसमें दूध में क्या पाया जाता है? इसमें शर्करा मौजूद होती है। दूध में शर्करा मौजूद होती है इसीलिए दूध में बिजली पास नहीं होती। अगर दूध में अगर बिजली का तार गिर भी जाए तो करंट नहीं लगेगी। वाह क्या बात है। शहद का उपयोग विद्युत चालकता परीक्षण में क्यों नहीं किया जाता है? इसमें अधिक शर्करा होती है। दूध में शर्करा नहीं होती है और शहद में अधिक शर्करा होती है। सिरका विद्युत घटना के लिए उपयोगी क्यों है? सिरका जो है विद्युत घटना के लिए उपयोगी क्यों है? इसमें अम्ल होते हैं। सिरका में क्या होता है? अम्ल होते हैं। आसुत जल विद्युत का अच्छा चालक क्यों नहीं होता? आसुत जल मतलब शुद्ध जल यानी वर्षा का पानी विद्युत का अच्छा चालक क्यों नहीं होता? उसमें लवण नहीं होते हैं। वर्षा के पानी में लवण नहीं होता है। वर्षा के पानी को आसुत जल कहा जाता है। घरेलू उपयोग के लिए साधारण जल क्यों चालक होता है? घरेलू उपयोग के लिए साधारण जल क्यों चालक होता है? क्योंकि उसमें लवण घुले होते हैं, तो उसका कट नहीं हो सकता है। 255 का भी उसमें लवण घुले होते हैं। आसुत जल में लवण नहीं होते तो बिजली पास नहीं होते हैं, और जिसमें बिजली पास हो जाता हो तो उसमें लवण घुले होते हैं। सो सिंपल। लवण मिलाने पर विद्युत चालकता क्यों बढ़ जाती है? लवण मिलाने पर विद्युत चालकता क्यों बढ़ जाती है? लवण जल का आयनकरण कर देता है। जांच के समय किस पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए? धातु का उपयोग नहीं करना चाहिए। कौन सा द्रव विद्युत चालक है? कौन सा जो द्रव है विद्युत का चालक है? तो नींबू का रस अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, है क्या? नमक का ठप्पा। अरे नमक तो हम जानते थे लेकिन नमक का ठप्पा भी विद्युत का चालक रहता है। वहां तो नींबू का रस भी लिया था ऊपर में। लोहा किस प्रक्रिया से निकाला जाता है? लोहा किस प्रक्रिया से निकाला जाता है? विद्युत विधि से लोहा निकाला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में लोहे की पत्ती या अन्य धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया के लिए। क्यों किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया के लिए। नमक मिला जल प्रयोग में क्यों लिया जाता है? रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति बढ़ाने के लिए। विद्युत धारा के प्रभावों को किसने सर्वप्रथम 1800 ईस्वी प्रदर्शित किया था? विलियम निकल्सन किसने? विलियम निकल्सन ने प्रदर्शित किया था। सर्वप्रथम इलेक्ट्रोलिटिक्स की प्रक्रिया किसने की थी? विलियम्स निकल्सन। अगर आपको PDF चाहिए तो आप लिंक मिल जाएगा आप टेलीग्राम का अबाउट में जाके जाइए और वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगा, मैसेज करिएगा, PDF बोलिएगा, मैं भेज दूँगा टेलीग्राम पर। सर हेम्पी डेवी ने 1807 में किस तत्व का नामकरण किया था?
पोटेशियम का, पोटेशियम को कैसे डिनोट किया जाता है? सर हम्फ्री डेवी ने 1807 में पोटेशियम का नामांकन किया था। विलियम निकल्सन के अनुसार विद्युत धारा द्वारा किसका उत्पादन हो सकता है? विलियम निकल्सन के द्वारा विद्युत धारा द्वारा किसका उत्पादन हो सकता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीकरण का, ऑक्सीजन का। फ्लोरोसेंट लैंप किस प्रकार की धाराओं का उपयोग करते हैं? फ्लोरोसेंट लैंप किस प्रकार की धाराओं का उपयोग करते हैं? प्रकाश धारा का। विद्युत धारा के प्रयोग द्वारा कौन से तत्वों का पता लगाया गया है? विद्युत धारा के प्रयोग द्वारा कौन से तत्वों का पता लगाया गया है? सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, मैग्नीशियम और बेरियम। सोडियम का, कैल्शियम का, स्ट्रॉन्शियम का, मैग्नीशियम का और बेरियम का पता लगाया गया है विद्युत धारा के प्रयोग द्वारा। धातु के आभूषण सस्ते होने के बावजूद अधिक चमकदार क्यों होते हैं? धातु के आभूषण सस्ते होने के बावजूद अधिक चमकदार क्यों होते हैं? पॉलिशिंग की प्रक्रिया के कारण। पॉलिशिंग की प्रक्रिया, पॉलिशिंग कर दिया जाता है ना, उसके कारण। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ सुझाव हो तो यह ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। किसी तांबे की इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ मिलाने की प्रक्रिया के बाद क्या होता है? स्प्लिटिंग होता है। क्या होता है? स्प्लिटिंग होता है। दो को मिलाएंगे तो स्प्लिटिंग हो जाएगा। हम पूरे का पूरा 1600 भी कराएंगे और अभी जस्ट कोटिलिया का जो आया है पीडीएफ आया, उसका भी वीडियो हम बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पहले करा देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा। विद्युत धारा द्वारा किसी बाह्य धातु के परत चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत धारा द्वारा किसी बाह्य धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन कहा जाता है। वह धातु जिसे क्रोमियम द्वारा सुरक्षित बनाकर चमकदार बनाया जाता है वह कौन सी है? लोहा है। एक धातु की परत चढ़ाने के लिए, एक धातु की परत चढ़ाने के लिए कुर्सियां, टेबल, हैंडिंग आदि को चमकदार बनाया जाता है। धातु की परत चढ़ाने के लिए कुर्सियां, टेबल, हैंडल आदि को चमकदार बनाया जाता है किसे? कार्बन के या किससे? लोहे के। क्रोमियम महंगे धातु है। क्रोमियम महंगी धातु है। इसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? लोहे को सुरक्षित बनाने के लिए। किसी पदार्थ के विद्युत चालक होने की पहचान किससे की जाती है? किसी पदार्थ के विद्युत चालक होने की पहचान किससे की जाती है? विद्युत धारा के प्रवाह से। किसी धातु की परत की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? किसी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? रासायनिक प्रक्रिया पर आधारित है। विद्युत दृष्टि से धातुओं को सुचालक और किस रूप में बांटा जा सकता है? विद्युत दृष्टि से धातुओं को सुचालक और किस रूप में बांटा जा सकता है? अल्पचालक के रूप में। तड़ित के समय हमें किस प्रकार की ध्वनि संकेत सुनाई दे सकती है? तड़ित के समय हमें किस प्रकार की ध्वनि संकेत सुनाई दे सकती है? विड विड की आवाज, विड विड की आवाज। तड़ित की घटना प्राकृतिक उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है? वायुमंडलीय विद्युत होती है। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रभावित होने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? किसी विलयन में विद्युत धारा प्रभावित होने पर कौन सा
प्रभाव उत्पन्न होता है उष्मीय और रासायनिक, उष्मीय भी प्रभावित होता है और रासायनिक भी प्रभावित होते हैं, तो दोनों हो जाएगा। नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रभावित होने पर ऑक्सीजन कहाँ उत्पन्न होती है? एनोड पर। कहाँ उत्पन्न होती है ऑक्सीजन? एनोड पर। विद्युत चालक करने वाला अधिकांश तत्व क्या होता है? विद्युत चालक करने वाला अधिकांश तत्व क्या होता है? धातु होता है। शुद्ध जल में विद्युत धारा क्यों प्रभावित नहीं होती है? जल में आयनों की कमी होती है, आयन या लवण की कमी होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पदार्थ को किस पर की प्रक्रिया कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पदार्थ को किस पर चढ़ाने की प्रक्रिया है? क्रोमियम को लोहे पर। साइक्लिंग की हैंडल का लेपन किस धातु से होता है? साइक्लिंग की हैंडल का लेपन किस धातु से होता है? क्रोमियम से होता है, क्योंकि उस पर जंग जो नहीं लगता है ना, इसी कारण। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? जल के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है। धातु के प्लेट पर प्लेटेशियम आयोडाइड और स्टार्च लगाने को क्या क्या कारण है? विद्युत चालकता दिखने के लिए। हम किसके द्वारा अपने सामने पड़ी वस्तुओं को दिन के उजाले में देख पाते हैं? इसका जवाब तो आप बता ही सकते हैं, प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। रात में हम कभी कभी किन वस्तुओं को देख पाते हैं? चंद्रमा और तारे को देख पाते हैं। किस स्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? प्रवर्तित प्रकाश से वस्तु देख सकते हैं। प्रतिबिंब बनने में प्रवर्तन की क्या भूमिका है? एक नंबर हो जाएगा। प्रवर्तन की प्रक्रिया प्रतिबिंब निर्माण के लिए अनिवार्य है। प्रवर्तन की प्रक्रिया प्रतिबिंब निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रवर्तक पृष्ठ प्रतिबिंब निर्माण में कितना सहायक है? प्रवर्तक पृष्ठ प्रतिबिंब निर्माण में कितना सहायक है? मसी हो जाएगा। प्रतिबिंब निर्माण में अत्यधिक सहायक होता है। समतल दर्पण का क्या उपयोग है? बहुत सारे उपयोग है। पेरिस्कोप में लगाया जाता है। प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कैसे की जाती है? गुरुत्वाकर्षण बल की गणना किससे की जाती है? F = mg/d2। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा निर्धारण किसके अनुसार होती है? गुरुत्वाकर्षण बल का निर्धारण किसके द्वारा होता है? केंद्र की दिशा में। यदि पृथ्वी का आकर्षक बल समान नहीं है, समान नहीं होते, चंद्रमा की गति कैसी होगी? सरल रेखीय पथ पर होगी। यदि पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी बढ़ती जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार से प्रभावित होगा? कम होता जाएगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय न्यूटन ने शिक्षा ग्रहण करते समय किस प्रसिद्ध पुस्तक को पढ़ा था? प्राकृतिक दर्शन का सिद्धांत को पढ़ा था। न्यूटन ने ग्रहों की गति का अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक का नियम किया था। मुक्त पतन मानकर किसी वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल का अनुमान क्या होता है?
गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु की गति, उपयुक्त में सभी। 300 नंबर पहुंच गया। 13 शतक हम लोग का हो गया। विज्ञान के अनुसार शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार का कण हो। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे, 300 से लेकर 400 तक मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इतना वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।